नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मुंबई इंडियंस को हराकर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर पहुंची WPL 2024 के फाइनल में। 17 मार्च को दिल्ली कैपिटल्स के साथ होगा भिड़ंत। बताएंगे दोस्तों पूरी खबर आज के इस धमाकेदार वीडियो में। इससे पहले अगर आप भी RCB के बहुत बड़े वाले सच्चे फैन होंगे तो इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक करके चैनल को जो से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों WPL 2024 का एलिमिनेटर मैच मुंबई इंडियंस और RCB के बीच खेला गया। दोस्तों इस मैच में RCB ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। टीम की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। 20 के स्कोर पर टीम का पहला एवं 20 के स्कोर पर टीम का दूसरा विकेट गिर गया कप्तान स्मृति मंधाना के रूप में। 23 रन तक पहुंचते ही टीम का एक और विकेट गिर गया। टीम पूरी तरह से संकट में फंस गई थी। टीम को संभालने का कार्य एलिसा पेरी ने किया, जिन्होंने 50 गेंदों में एक छक्का और 8 चौकों की मदद से 66 रन की बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेली, जिसके बदौलत RCB की टीम 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 135 रन बनाने में सफल रही। मुंबई की ओर से 3 गेंदबाजों ने 2-2 विकेट लिए, जिसमें से मैथ्यूज सायरवंत ईसा का शामिल थे। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की टीम का शुरुआत तो सही रहा, लेकिन यह मैच पल पल में बदलता ही जा रहा था। कभी लग रहा था कि मुंबई इंडियंस आगे है तो कभी लग रहा था RCB आगे है, पर एक समय तो ऐसा लग रहा था कि मैच पूरी तरह से मुंबई इंडियंस के पकड़ में है। परंतु जब कप्तान हरमनप्रीत कौर का विकेट गिरा तब मैच RCB की ओर झुक गया। उसके तुरंत बाद संजना भी ऋचा घोष के हाथों स्टंप आउट हो गई। यह मैच अंत तक अपने करवटे बदलता रहा और अंतिम 2 गेंदों में 8 रनों की आवश्यकता थी। स्ट्राइक पर थी अमनजीत कौर, जिन्होंने सिंगर लेकर अमेलिया कैर को स्ट्राइक दिया। मुंबई इंडियंस की टीम को अब जीत के लिए 1 गेंदों में 7 रन की आवश्यकता थी, लेकिन अमेलिया कैर केवल 1 रन ही बना सकी और यह मैच RCB की टीम 5 रनों से जीतकर WPL 2024 के फाइनल में प्रवेश कर लिया। WPL के इतिहास में सबसे न्यूनतम स्कोर डिफेंड करके फाइनल में पहुंची RCB की टीम। इस पारी में RCB की ओर से श्रेयंका पाटिल ने 2 बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट लिए एवं 4 गेंदबाजों ने 1-1 विकेट लिए। मुंबई इंडियंस की ओर से कप्तान हरमनप्रीत कौर ने सर्वाधिक 33 रनों की पारी खेली। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट कीजिए। इंसन स्पोर्ट्स की ओर से RCB को एवं दिल्ली कैपिटल्स दोनों टीम को बहुत बहुत बधाई, वो बढ़िया खेले और इस साल वह फाइनल जीती। दोस्तों आपको क्या रहा है आप अपना कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।